नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पंजाब में टिकट बंटवारे से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला नाराज, अमित शाह को भेजा इस्तीफा। दिल्ली में आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात। समाजवादी दंगल में अखिलेश ने पिता मुलायम को दी पटकनी, अखिलेश को मिली पार्टी और साइकिल का चुनावी चिन्ह। आज कांग्रेस के साथ गठबंधन का हो सकता है औपचारिक ऐलान। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 24 जनवरी तक नामांकन, 11 फरवरी को होगा पहले चरण का चुनाव। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद आज से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे सिद्धू। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद आज अमृतसर में करेंगे रोड शो, अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव। फिल्म दंगल में काम कर चुकी जायरा वसीम के समर्थन में उतरा बॉलीवुड। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कट्टरवादियों ने की थी आलोचना। मिस्र के अलनकाब शहर की सुरक्षा चौकी पर आतंकी हमला, 8 पुलिसकर्मियों की मौत, 2 हमलावरों को किया ढेर। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बर्फ जमने से कई इलाकों में हुए रोड बंद, मैदानी इलाकों में शीतलहर से ठिठुरे लोग। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।